नमस्कार, स्वागत है आपका आपके साथ, मैं दीपेश बरगले। छत्तीसगढ़ में संक्रमण जिस तेजी से बढ़ रहा है उससे प्रदेश में कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बना हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 13 गुना तेजी से संक्रमण फैल रहा है। प्रदेश में 1 जनवरी को जहां 279 मामले सामने आए थे, वहीं 8 जनवरी को 3,500 संक्रमित मिल चुके हैं। इन सबके बीच चिंता का विषय यह है कि आरटीपीसीआर जांच की रिपोर्ट देर से मिल रही है। ऐसे में सवाल क्या है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है क्या? आरटीपीसीआर जांच की कमी से संक्रमण बढ़ने का खतरा है। सरकार प्रयासरत है, लेकिन नए लैब शुरू कब होंगे, यह महत्वपूर्ण सवाल है। संक्रमण को रोकने के लिए क्या और सख्ती बढ़ानी होगी? ऐसे बहुतेरे सवाल है जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में तीसरी लहर में कोरोना विस्फोट शुरू हो गया है। प्रदेश में संक्रमण इस तेजी से फैल रहा है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण 13 गुना तेजी से बढ़ रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो शनिवार को दिन भर में 3,455 नए केस आए थे। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 13,066 पहुंच गई। 1 जनवरी को 279 मामले सामने आए थे, 1 मौत हुई। 1 जनवरी को एक्टिव मरीजों की संख्या 1,017 थी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर 7.43% है। बिलासपुर के CMS वायरोलॉजी लैब में 4 स्टाफ पॉजिटिव मिले हैं। बिलासपुर के प्राइवेट अस्पताल में 131 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रायपुर एम्स और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के कई इंटर्न, डॉक्टर, स्टाफ भी संक्रमित मिले हैं। वहीं संक्रमण इस तेजी से बढ़ रहा है कि इसकी चपेट में बड़ी संख्या में माननीय भी आने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पॉजिटिव हो चुके हैं। रविवार को पीएचई मंत्री रुद्र गुरु भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पीएचई मंत्री के स्टाफ के 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विधायक धनेंद्र साहू भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। रायपुर के बीजेपी जिला अध्यक्ष भी संक्रमित हुए हैं। एक्सपर्ट्स छत्तीसगढ़ में कोरोना की तेज रफ्तार को कम्युनिटी स्प्रेड की स्टेज पर पहुंचना बता रहे हैं। मुश्किल यह है कि इस बार वायरस रैपिड एंटीजन किट से हुई जांच में बहुत कम पकड़ में आ रहा है। इसकी पुष्टि के लिए आरटीपीसीआर जांच की जरूरत है, लेकिन प्रदेश में 14 लैब के काम करने के बावजूद जांच रिपोर्ट देरी से आ रही है। आरटीपीसीआर जांच के लिए प्रदेश में केवल 14 लैब हैं। प्रदेश में आरटीपीसीआर जांच की क्षमता केवल 10,500 नमूनों की है। जांच रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन का वक्त लग रहा है। रायपुर एम्स के अलावा राज्य सरकार के 9 मेडिकल कॉलेजों में आरटीपीसीआर जांच की सुविधा है। कोरिया के बैकुंठपुर में भी एक लैब काम कर रही है। प्राइवेट संस्थानों में 3 जगहों पर आरटीपीसीआर जांच की सुविधा है। अभी जशपुर, दंतेवाड़ा, बलौदाबाजार, दुर्ग और जांजगीर में वायरोलॉजी लैब निर्माणाधीन है। सरकार जांच क्षमता बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन जांच रिपोर्ट आने में इसी तरह देरी हुई तो संक्रमण और फैलने का खतरा बना रहेगा। हालांकि सरकार जहां क्षमता बढ़ाने की बात कर रही है, वहीं लोगों से संक्रमण के लक्षण महसूस होने पर खुद ही आइसोलेट होने की अपील भी कर रही है। टीम न्यूज स्टेट। तो स्थिति अब इस तरह की हो चुकी है कि डरना भी बेहद जरूरी है और सावधान रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये दोनों ही चीजें शायद नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि आंकड़े इस स्पीड से बढ़ते दिखाई देते हैं। डॉक्टर के जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हेल्थ एक्सपर्ट के। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुशांत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। सुशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अनिल सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर जायसवाल, आपसे ये समझना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि लगभग 13% की दर से ये जो स्पीड है वो कोरोना संक्रमितों की बताई जा रही है, जो काफी डराती है। कैसे और सावधान हम रह सकते हैं, कैसे इसे और बढ़ने से रोका जा सकता है? डॉक्टर जायसवाल, दीपेश जी, जिस हिसाब से कोरोना संक्रमण की दर जो अभी छत्तीसगढ़ में बढ़ी है, वो मैं देख रहा हूँ कि जो कोरोना वायरस की जो रफ्तार है, जो मल्टीप्लिकेशन के और इन्फेक्शन की जो दर है, जो उसकी मारक क्षमता है या जो इन्फेक्शन पैदा करने की जो शक्ति है, वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। और ये अभी इसको ये बोलना कि कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा है, ये बिल्कुल नहीं है। ये कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। कम्युनिटी स्प्रेड होने के साथ साथ हमारे यहाँ जांच करने की जो क्षमता है वो और बढ़ानी होगी, जिससे कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट आए, क्योंकि रैपिड एंटीजन में इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं फॉल्स निगेटिव आ रहे हैं,
और जिस हिसाब से कोरोना ने अभी म्यूटेट किया और ओमिक्रॉन के रूप में आया, लेकिन ये जो ओमिक्रॉन है वो तो खैर ठीक है कि इसके लिए जो जीनोम सिक्वेंसी की जो लेब होनी चाहिए, जो इसका डिटेक्शन होना चाहिए, वो हमारे प्रदेश में नहीं है, और जल्दी से जल्दी इसको जीनोम सिक्वेंसी की जो लेब है उसको जल्दी से जल्दी कार्य में आना चाहिए, जैसे तैयारी चल रही है, लेकिन हमारा जो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट है उसमें विलंब नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से जो डेल्टा वेरिएंट है, डेल्टा प्लस वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट, ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब एक दूसरे से मतलब और ज्यादा जो कंजुगेट होंगे और जो बहुत ज्यादा जो एक साथ मतलब जो इकट्ठे होंगे, तो इनकी जो इन्फेक्शन की जो दर है, जिनके जो रिस्क फैक्टर है, जो मारक क्षमता है या जो बीमारी पैदा करने की जो शक्ति है, वो इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि आने वाले महीने में फरवरी में मैं समझता हूं कि ये दर कई गुना तेजी से और कई रफ्तार से बढ़ेगी, जिसके कारण कि जो हमारे प्रदेश में जो भी शासन ने जो भी तैयारियां की हैं ऑक्सीजन की, दवाइयों की, उसमें ऐसा ना हो कि ये जो तैयारियां हैं वो उसमें कुछ कमी नजर आए, इसलिए कमी नजर आए क्योंकि मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। बिल्कुल, साथ में रहे सर, बीजेपी की तरफ से सुशांत शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, अनिल सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल सिंह जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो संक्रमण 13 गुना ज्यादा स्पीड के साथ छत्तीसगढ़ में फैल रहा है, उसको लेकर क्या बहुत ज्यादा लचर रवैया छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है? सबसे पहले तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है जो कोरोना इतनी स्पीड से छत्तीसगढ़ में फैल रहा है, एक, और दूसरी चीज, क्या इस स्पीड को देखते हुए भी अभी हमें कोई और कड़े कदम उठाने की दरकार नहीं नजर आती? देखिए दीपेश जी, निश्चित रूप से कोरोना बहुत ज़्यादा तेजी से फैल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये छत्तीसगढ़ बस की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में इसकी जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा है। लोग अशिक्षा की बात करते हैं, लोग बहुत सारे बिंदु बताते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स बताते हैं, तथ्य बताते हैं। अमेरिका से लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक जो स्टेट है, बहुत विकसित हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा जागरूकता है जनता में और बहुत सारे एसेट्स हैं, मशीनें हैं, लेकिन वहाँ भी ये कोविड पूरी तरह से फैल रहा है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भी इसकी रफ्तार बहुत तेज है, जिसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, सभी जिला प्रशासनों को सचेत कर दिया गया है और इन लोग खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और समस्त स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी पॉजिटिव आ गए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी वो निगेटिव हो गए हैं और सरकार पूरी तरह से सचेत है और पूरी तरह से संजीदा होकर शुरू से इसमें काम कर रही है। कहीं भी किसी भी प्रकार की चूक या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी ने सभी विभागों को निर्देश दे दिया है। न कि स्वास्थ्य विभाग बल्कि जो आशा कार्यकर्ता हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो दूसरे लोग जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो गांवों से लेकर शहरों तक आम लोगों के बीच जा रहे हैं, उनको भी जागरूक किया जा रहा है, उनके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और पूरी रोकथाम सरकार कर रही है। निश्चित रूप से आर्थिक नाकेबंदी या आर्थिक बंदी जैसा कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन अगर ये स्प्रेड और होता रहा तो और सख्त कदम सरकार उठाएगी। अभी रातों में कर्फ्यू लगाया गया है, नाइट कर्फ्यू की स्थिति जो बनी थी उसको नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। व्यापारियों की मीटिंग लगातार जिला प्रशासन और शासन के लोग ले रहे हैं, व्यापारियों को किया जा रहा है, सामाजिक संस्थानों को किया जा रहा है, लेकिन मेरा देखिए मानना यह है कि सभी राजनीतिक दलों को, मीडिया समूहों को, सभी आम लोगों को, सभी सामाजिक संगठनों को इसमें जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि यह एक सामूहिक पहल का काम है। इसमें सिर्फ सरकार को दोष दे देना या विपक्ष को दोष दे देना यह सही नहीं होगा, मैं मानता हूं। इसके लिए पूरे हिंदुस्तान को, पूरे राज्य को, पूरे प्रदेश की जनता को, सभी समूहों को एक होना पड़ेगा, तब हम इतनी बड़ी महामारी से लड़ पाएंगे। प्रयास हो रहा है, क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक बुला ली जाती है छत्तीसगढ़ में, क्यों नहीं इस मसले को सुलझाने के लिए तमाम समाज के संगठनों को एक मंच पर लाकर उनसे बातचीत होती है, क्यों नहीं सामाजिक सरोकार में जुड़े हुए लोगों को इस पहल से जोड़ने का प्रयास हो रहा है, क्या कोई कदम उठाया जा रहा है? बुलाइए ना तमाम मीडिया संस्थान के संस्थापकों को, बुलाइए तमाम समाज के संगठन प्रमुखों को, बुलाइए तमाम राजनीतिक दलों के नुमाइंदों को, बुलाइए बैठक करिए ना सर, कौन रोक रहा है आपको? देखिए मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ राज्य स्तर पर इसको किया जा रहा है, साथ ही जिला स्तर पर इसको बहुत व्यापक स्तर पर किया जा रहा है और प्रदेश स्तर पर उसकी रिपोर्टिंग भी जा रही है। सभी जिलों के एसपी और कलेक्टर, जो व्यापारियों की बैठक है, राजनीतिक दलों की बैठक है और अन्य समूहों की बैठक है, सामाजिक संगठन जो आगे आ सकते हैं, अब इसमें देखिए ऑनलाइन ही बैठकें हो रही हैं या जो ऐसा ना हो कि इन बैठकों की वजह से ही विस्फोट हो जाए, उससे सचेत होकर लगातार लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र के जुड़े लोगों से, और उसमें काम किया जा रहा है। जब 13% से ऊपर सर इस कोरोना संक्रमण की ग्रोथ रेट
पहुंच चुकी है, तब हम सिर्फ बैठकें कर रहे हैं। इसका बैठक का जो सार निकलेगा, उसका इंप्लीमेंटेशन कब होगा, वो एक बड़ा सवाल है। मैं लौटता हूं आपके पास। सुशांत शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुशांत जी, क्या विपक्ष के नाते हम कोई और मदद नहीं कर सकते हैं प्रदेशवासियों को बचाने के लिए? प्रशासनिक तौर पर जो निर्णय छत्तीसगढ़ में हुए हैं, जो नेतृत्वहीन सरकार छत्तीसगढ़ में है, उसका एक उदाहरण अनिल जी ने बहुत स्वीकारता के साथ स्वीकार कर लिया बगैर बोले कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान की भूपेश बघेल सरकार और टीएस सिंहदेव जी के नेतृत्व में चलने वाली स्वास्थ्य विभाग सामंजस्य बनाने को आज भी तैयार नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ की सरकार से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द समन्वय की दृष्टि से राजनीतिक दलों को, सामाजिक संगठनों को और अन्य ऐसे लोगों को जो समाज में चैतन्यता ला सकते हैं कोविड के विरुद्ध, उनके साथ इनको वर्चुअल बैठक करते हुए सक्रियता के साथ प्रदेश में कोरोना के विरुद्ध व्यवस्था बनानी चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छी, आपने एक बहुत अच्छा विषय उठाया कि कब होगी बैठक, कब लोगों को सरोकार के साथ जोड़ते हुए कोरोना के विरुद्ध खड़ा किया जाए। आज बिलासपुर जिले में एक बैठक हुई सेंट्रल लाइब्रेरी में, जिसमें प्रशासनिक और कांग्रेस से जुड़े राजनीतिक लोग थे, लेकिन बाकी दलों के लोग और सामाजिक संगठनों के लोगों को नहीं बुलाया गया। ऐसी ही हर जिले की व्यवस्था है, जब कलेक्टर और एसपी कोई सुझाव के साथ जनता के बीच जाते हैं तो उनको तबादले की व्यवस्था पहुंचा दी जाती है और उनको जिले से ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो प्रशासन असमंजस में है और तबादला उद्योग का शिकार है, जिससे निर्णय नहीं ले पा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से एक विषय रखना चाहता हूं, जवाब ना दे अनिल जी, क्योंकि प्रदेश में 5% से ज्यादा संक्रमण का दर है, तो WHO की गाइडलाइन के हिसाब से महामारी की ओर है। और अगर महामारी की ओर है तो शासक को उदाहरण प्रस्तुत करते हुए तत्काल इसके विरुद्ध सामंजस्य बनाते हुए जन सहयोग की अपेक्षा पालनी चाहिए, जो अभी तक कांग्रेस सरकार की तरफ नहीं दिख रही। ठीक, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल सुशांत जी ये है, मैं आ रहा हूं अनिल जी आपसे जवाब लूंगा, एक कमेंट और ले लेता हूं सुशांत जी से। सुशांत जी, क्या अगर सरकार या फिर कांग्रेस एक बैठक बुलाए, आप लोगों को आमंत्रित किया जाए, तभी आप लोग सुझाव देंगे? अपने स्तर पर क्या कोई काम नहीं किया जा सकते हैं? जन सरोकार से जुड़े हुए मसले पर क्या बीजेपी संगठन कोई पहल नहीं करेगा? क्योंकि पहले अगर स्थिति हमने देखी है, पहले और दूसरे फेज में आप लोग अगर जमीन पर उतर कर लोगों की मदद करते नजर आए हैं, तो अभी क्या दिक्कत है? अभी भी बैठक का इंतजार करेंगे, वो बुलाएंगे तभी करेंगे? आप अपने मन से क्यों नहीं पर उतर रहे हैं? देखिए, आज ही भारतीय जनता पार्टी के प्रांत संगठन ने सभी सांसदों को, सभी विधायकों को और जिले के अध्यक्षों को निर्देशित किया है कि सेवा ही संकल्प का कार्यक्रम जो अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक व्यवस्था के तहत दिया गया कार्यक्रम है, उसे आज ही अविलंब प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है वर्चुअल बैठक के माध्यम से। साथ ही साथ सांसद खेल महाकुंभ या स्पर्धा को स्थगित करते हुए 2 महीने के लिए टाल दिया गया है, जो हमारा एक अखिल भारतीय कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कोरोना की इस वैश्विक लड़ाई में सरकार के साथ खड़ा है, परंतु हम अपेक्षा रखते हैं सरकार से कि अपनी हर योजनाओं में एक राजनीतिक दल और सामाजिक दलों की व्यवस्थाओं को सरकार के साथ जोड़ेगी। ठीक, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। अनिल जी, जवाब दीजिएगा सुशांत जी की बातों का, साथ साथ मेरा भी एक महत्वपूर्ण सवाल ये है सर कि हम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं, हम चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो दिखाई दे नहीं रही है। दीपेश जी, मैं पहले बताना चाहूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि सुशांत जी कोविड जैसी महामारी का राजनीतिकरण कर रहे हैं। मैंने ये विषय नहीं उठाया कि जो 6 मशीनें आधुनिक मशीनें आई ओमिक्रॉन की जांच के लिए, मध्य प्रदेश को 6 मशीनें दी गई, छत्तीसगढ़ को एक भी मशीन नहीं दी गई, वैक्सीन क्यों लेट दी गई, दवाएं क्यों लेट दी जाती हैं, व्यवस्थाएं क्यों लेट दी जाती हैं, मैंने तो ये विषय नहीं उठाया। देखिए, ये समय राजनीति करने का नहीं है। जो सुशांत जी कह रहे हैं कि लाइब्रेरी में बैठक हुई, मैं आपको बताना चाहता हूं 2 दिन पहले जिले की एसपी तक, कलेक्टर साहब की बात छोड़ दीजिए, जिले की एसपी तक फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे लाइव जुड़ी लोगों से, उन्होंने किसी राजनीतिक दल का नहीं, चाहे वो आम जनमानस हो, वो लाइव जुड़ी लोगों से, टिप्स पूछे, लोगों से सुझाव मांगे, लोगों से ये तरीका पूछा कि कैसे हम इससे जुड़े, लोगों को जागरूक किया। कलेक्टर साहब ने कई ऐसे बैठकें की, गोल बाजार व्यापारी संघ का बैठ हुआ, कई इसी तरह राज्य के कई जिलों में लगातार
बैठ के हो रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें देंगे। सुशांत जी आप फिर बोल लीजिएगा, मैं अपना समय पूरा कर लूं, आपको फिर मौका मिलेंगे दीपेश जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें नहीं जुड़ना चाहते, नहीं काम करना चाहते। दीपेश जी मैं आपको बहुत प्रमुखता से बताना चाहता हूं, जब कोविड का डेल्टा वेरियंट फैला और आप लोग उत्तर प्रदेश में वर्चुअली चुनाव, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा दीपेश जी। जी जी मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं दीपेश जी कि जब पहला डेल्टा वेरिएंट आया तब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया, ना किसी गरीब को अनाज कैसे दिया जाए इन्होंने व्यवस्थित किया, ना ये किसी भी प्रकार के कोई सामाजिक काम किए। इन लोग सिर्फ घरों में दुबके रहे, इनके पूर्व मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री घरों में दुबके रहे और वो घरों में दुबक कर भी कोई सामाजिक काम नहीं किए। और पूरे प्रदेश की जनता यह जानती है कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता गरीबों तक अनाज पहुंचाया और पूरे जो इसका प्रोटोकॉल है कोविड का उसका पालन करते हुए पहुंचाया। और मैं आपको आज भी दावे से कह रहा हूं कि हर जिले के कलेक्टर और एसपी लगातार सामाजिक संगठनों की राजनीतिक दलों की बैठक ले रहे हैं, सभी समाचार पत्रों में प्रकाशन हो रहा है, मीडिया चैनलों द्वारा दिखाया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा फेसबुक लाइव का मुद्दा नहीं है, पारुल माथुर जी व्हाट्सएप में ग्रुप्स के माध्यम से दूसरे माध्यमों से लोगों से जुड़ी, लोगों को जागरूक किया, पूरे प्रदेश के स्तर पर प्रयास होना चाहिए। उदाहरण के साथ एक सवाल करूंगा सुशांत जी, 10 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर मैं जयसवाल सर के पास जाऊंगा, फिर अनिल जी से एक और महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। सुशांत जी बोलिए। खुली चुनौती कांग्रेस के मेरे साथी को, वो कांग्रेस में छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में चर्चा पर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते 4-4 निःशुल्क एम्बुलेंस मैं स्वयं चलवाता हूँ। पूरे कोविड काल के दौरान ऑक्सीजन की व्यवस्था मैंने स्वयं की है और मेरे जैसे असंख्य कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के कोने कोने पर अपने प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर, राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर कोविड से पीड़ित लोगों की सेवा में लगे हैं। ठीक है, वो देखा है, वो देखा है, प्रदेशवासियों ने भी देखा है, देश भर में देखा है सर, जिसको जिसको जिसने कभी कोई सेवा नहीं की वो भी इस महामारी के दौर में सेवा करता हुआ नजर आया, फिर तो जनप्रतिनिधि है, सेवा क्यों नहीं करेंगे। मैं मानता हूं आपकी बात को, मैं लौट रहा हूं जयसवाल सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल जिस बात का जिक्र आपने पहले भी किया था और हमने भी रिपोर्ट में किया है कि आरटीपीसीआर टेस्ट को जो बढ़ाना है उससे कितना फायदा होगा, क्योंकि अभी आरटीपीसीआर की दर बहुत कम है प्रदेश में, उसको बढ़ाने की दरकार है। जयसवाल सर लौट रहा हूं सुशांत जी, लौट रहा हूं आरटीपीसीआर को लेकर। जयसवाल सर आरटीपीसीआर के जो जांच की दर है सर, उसको बढ़ाना नितांत आवश्यक है, चाहे वो शासन के लिए हो चाहे निजी लिए हो, क्योंकि जिस हिसाब से संक्रमण की दर बढ़ रही है और ये हम सब ने देखा है कि हर 4-6 महीने के बाद ये वायरस म्यूटेट होके फिर से मतलब ऐसा इन्फेक्शन फैलाता है और हमें मालूम था कि जनवरी फरवरी का महीना फिर से मतलब ये इसके संक्रमण की दर बढ़ेगी। उस हिसाब से हमारी तैयारी पहले से ही मतलब ये होनी चाहिए थी जिससे कि संक्रमण की दर को बढ़ने से हम रोक सकते थे, लेकिन हम एहतियात के तौर पे ऐसा कोई कदम नहीं उठाए जिससे कि उसमें आम जनता साथ साथ शासन के लोग और जो भी हो जो हमें इसके लिए जो सावधानी बरतनी थी उससे हम असावधान हो गए थे, उससे लापरवाह हो गए थे। दूसरी चीज ये रही कि नाइट कर्फ्यू का कोई औचित्य नहीं है सर, जो रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक, वैसे भी क्या है ऐसा मौसम है कि रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बहुत से कम लोग निकलते हैं। हमें जरूरत है कि जो जहां पर बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग है, बहुत ज्यादा जो जहां पर डेंस एरिया है, इन्फेक्शन बढ़ने की कहां जहां खतरा है, वहां पर अभी भी समय है, वहां रोक लगाई जाए, भले लॉकडाउन ना करें लेकिन वहां पर ऐसी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करें जिससे कि भीड़ ना पड़ने पाए, संक्रमण की दर को ज्यादा से ज्यादा रोकने की कोशिश की जाए। सबसे महत्वपूर्ण है लेकिन होता हुआ दिखाई देता है। आरटीपीसीआर में लौट रहा हूं आपके पास, आरटीपीसीआर को लेकर मिल जानी चाहिए। अनिल सिंह जी से कर लेते हैं। अनिल जी अगर छत्तीसगढ़ का जिक्र करें तो मात्र 14 लैब के भरोसे प्रदेश है और इन सिर्फ 14 लैब से ही आरटीपीसीआर की टेस्टिंग हो पा रही है, उनकी रिपोर्ट आ पा रही है और यही वजह क्या कि विलंब बहुत ज्यादा हो रहा है। जिस स्पीड से आंकड़े बढ़ रखे हैं, जिस स्पीड से संक्रमित बढ़ रखे हैं, जिस स्पीड से सैंपलिंग हो रही है, उस लिहाज से रिपोर्ट आने में भी अब बहुत देरी हो रही है, तो क्या लैब बढ़ाने पर कोई विचार हो पा रहा है? Yeah.
दीपेश जी, मैं सबसे पहले आपकी उस बात का जवाब दूंगा। मैं आपको ये कहूंगा कि 1 जनवरी से पहले शासन के लगभग सभी मंत्रियों ने अपने अपने विभागों की बैठक ली, और जिस तरह से पूरे विश्व में ये जो वेरिएंट आ रहा था उसके पहले ही ये बैठकें हो गई। सभी विभागों को अपनी अपनी भूमिका तय कर दी गई, सभी लोगों ने समीक्षा बैठक कर ली। बैठकों का दौर अब नहीं चला है, मैं आपको पहली बात ये क्लियर कर दूं। दूसरी बात आपको बता रहा हूं कि लैब बढ़ाने से लेकर आधुनिक मशीनों से लेकर सारी चीजों में सरकार अलर्ट है, और डॉक्टर जायसवाल साहब जैसा कह रहे हैं कि ये वेरिएंट निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अमेरिका, ब्रिटेन जैसे, इटली जैसे बहुत एडवांस कंट्री जो है, वहां भी आप देखिए कि इनकी स्पीड वैसे की वैसी है। निश्चित रूप से अभी एंटीजन में भी ये वायरस पकड़ में नहीं आ रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने निर्देश दिया है और ये व्यवस्था कर रहे हैं कि लगातार नए लैब खोले जाएं जिससे हम आरटीपीसीआर रिपोर्ट को गति दे पाए। और एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है स्वास्थ्य विभाग को, आपको इतने आरटीपीसीआर की रिपोर्ट जल्दी देनी है। सभी जगह जितने लैब है उनको एक लक्ष्य निर्धारित करके दिया गया है कि किसी भी तरह आप ये दीजिए। देखिए स्वास्थ्य विभाग में भी जिस तरह से लोग संक्रमित हो रहे हैं और लैबों में लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही है, लेकिन लगातार इस दिशा में काम हो रहा है। सुशांत जी, राजनीतिक भाषण देना और बात है, लेकिन जब बड़े बड़ी सरकारें इसमें इस संक्रमण को नहीं रोक पा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक एक व्यक्ति सरकार की जरूरी है, एक एक जनता की जान बचाने के बाद भी अगर सरकार से बढ़ रहा है तो अनिल जी सवाल खड़ा होगा ना। मैं दीपेश जी निश्चित रूप से मान रहा हूं, लेकिन मैं आपको फिर कहूंगा कि इसके लिए पूरे जन सरोकार की आवश्यकता है, और फिर कहूंगा कि विकसित राष्ट्रों में इससे ज्यादा जन सरोकार का जिक्र किया। एक महत्वपूर्ण सवाल, एक महत्वपूर्ण सवाल, उसके लिए रोकना चाहूंगा आपको, जैसे कि पहले मैंने निवेदन किया। अनिल जी एक उदाहरण लीजिए। उदाहरण ये है सर, जब दूसरा लहर था, दूसरी लहर के दौरान मध्य प्रदेश में बहुत सराहनीय काम हुआ, वो ये हुआ कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर। ये क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ये है सर कि इसमें अगर विधायक कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, उसको शामिल किया गया। जो पार्टी का अध्यक्ष है उस जिले का, उसको शामिल किया गया, वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो। दूसरे व्यापारियों को शामिल किया गया। इस तरह से ग्रुप बनाए गए और उन ग्रुपों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप अपने जिले में कैसे काम कर सकते हैं संक्रमण को रोकने के लिए, वो प्रयास करिए, और अगर आपको कोई निर्णय लेना है निर्णय लीजिए, प्रदेश सरकार को उससे अवगत कराइए, हम फैसला लेंगे। आखिर क्या ऐसे काम नहीं हो सकता है? अनिल जी, दीपेश जी, मैं आपको बता दूं, उस समय भी कोविड कंट्रोल रूम्स बनाए गए, और मध्य प्रदेश में जैसे बनाया गया सेम हमने नकल नहीं की। मध्य प्रदेश में तो ये जो बनाया गया था, इनके किसी भी सुझाव को सरकार ने इंप्लीमेंट नहीं किया। ये बनाए जरूर गए थे नाम के लिए। हमारे यहाँ जो कोविड कंट्रोल रूम बनाए गए थे, डायरेक्ट सीएमओ से स्वास्थ्य मंत्री बात करते थे, सारे कंट्रोल रूम्स में बात करते थे, और उसे नकार दीजिए लेकिन तारीफ पूरे देश ने की है इन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की। कोविड नियंत्रण स्तर पर हमने उसका जिला सफलता को दिखाया। समितियां, 8-8 समितियां, मैं ये कह रहा हूं, जो मेरा पहला सवाल था आपसे, ये अंत भी उसी सवाल के साथ है सर, कि क्यों हम दूसरे लोगों को इस तरह की बैठक में शामिल करके अब फैसला नहीं ले पा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण था। सुशांत जी अपनी बात कंप्लीट करिए, समय बहुत कम है। सर, इन्होंने दीपे अनिल जी चौहान जी ने स्तुति वंदना के साथ साथ जन सरोकार की बात कही है। देखिए सर, मैं आप सरकार को वैश्विक महामारी के विरुद्ध जोड़ने के लिए सरकार ने पहल क्या की, इस पर कोई जवाब देने के लिए आपके चैनल पर यह बोलने की कतरा रहे शायद तक इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाए। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि इनको नैतिकता की बुद्धि मिले, और यो छत्तीसगढ़ की जनता ने जो जनादेश दिया है उस जनादेश का सम्मान करते करते छत्तीसगढ़ की जनता को अपने जन सरोकार के साथ जोड़े, और राजनीतिक दल, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ जोड़कर इस वैश्विक महामारी के विरुद्ध लड़ाई खड़ी करें। ठीक है सर, तब छत्तीसगढ़ की जनता इस वैश्विक समय का भाव है, नैतिकता की बुद्धि ईश्वर तमाम राजनेताओं को भी दे। प्रार्थना करता हूं ताकि तमाम राजनीतिक दल कोविड गाइडलाइन का पालन कर सके, तमाम राजनीतिक दल मजमा जुटाने से थोड़ा सा बच सके, तमाम राजनीतिक दल लोगों की सेवा करने के लिए उनके दर तक पहुंच पाए, तमाम राजनीतिक दल कम से कम इतना सक्षम हो पाए कि लोगों के मसले को लेकर, उनकी चिंता को लेकर थोड़े चिंतित दिखाई दे। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। अनिल जी सब एक जैसे है सर। ठीक है अनिल जी, सब एक खुल चुके छत्तीसगढ़ में कोरोना, और जनता के पक्ष में बात करने के लिए इनकी नैतिकता समाप्त हो चुकी है।
बीजेपी और कांग्रेस तमाम राजनेताओं की यही स्थितियां हैं। समय का अभाव है सर, माफी चाहूंगा आप लोगों से, हम लोगों से इससे ज्यादा बातचीत कर नहीं पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और आप लोगों से यही निवेदन है, बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा अपना। नमस्कार।